सिंगरौली में 31 मार्च 2024 को जिलानी मोहल्ले में हुई अंजू जायसवाल की हत्या मामले में रीवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डकैती के उद्देश्य से घर में घुसे बदमाशों ने कुछ भी हाथ नहीं लगने पर महिला की हत्या कर दी थी। वहीं दीक्षा जायसवाल पर प्राणघातक हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस महानिरीक्षक MS सिकरवार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी सुनील जायसवाल महादेव ऐप सट्टा खेलने का आदी था, जो सट्टा खेलने के दौरान 27 लाख रुपया विभिन्न लोगों से कर्जा ले चुका था। उसी कर्ज को वह जल्द से जल्द चुकाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी टीम बनाकर उत्तर प्रदेश के दो अन्य आरोपियों दिनेश कुशवाहा और रविकांत मौर्य व दो अन्य लोगों को बुलाया और 31 मार्च को डकैती डालने के उद्देश्य से घर में घुसे। यहाँ कोई खास सामान नहीं मिलने पर महिला अंजू जायसवाल की हत्या कर दी, जबकि इन आरोपियों के हमले में दीक्षा जायसवाल घायल हो गई, जिसका इलाज अभी जारी है। चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और दो आरोपी फरार हैं। जो इसमें मुख्य रूप से आरोपी है वो एक जो है सुशील जायसवाल है और दिनेश रजक है और विशाल है और दिनेश कुशवाहा है, रविकांत मौर्या है और दिनेश रजक है। तो ये सब लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसके पीछे जो है यहाँ से कुछ पैसा मिल जाए और इसी उद्देश्य से ये घर में घुसे थे। लेकिन जैसे ही महिलाओं ने कुछ विरोध किया और इनके हाथ से जो है वो उस महिला की हत्या हुई, उसके पश्चात जो है ये डर के मारे बगल में जो लोगों को आवाज़ दी इसने, बच्ची ने, तो उसको सुनकर ये लोग वहाँ से भाग निकले हैं और भागने के पश्चात ये यहाँ से दो, इसमें से चार आरोपी जो है यूपी से गिरफ्तार हुए हैं और दो आरोपी मैडन से गिरफ्तार हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।